बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब, चिकन के शामी कबाब। उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये हैं। चिकन के शामी कबाब के लिए मैंने बोनलेस चिकन ली है, दो चिकन ब्रेस्ट है, इसको हम धो के काट लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, साबुत लाल मिर्च है, खड़ा गरम मसाला है, नमक 1 टीस्पून है, आधा कप चने की दाल ली है, लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, गरम मसाला मैं आखिर में डालूँगी, गरम मसाला पाउडर भुनते वक्त, 3 कप पानी लेना है। गरम पानी लिए, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम पतीली को चूल्हे पर रख देंगे, 1/2 आवर का टाइमर लगा देंगे। अब आपके लिए मैंने आधा कप चने की दाल, 2 चिकन ब्रेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, ज़ीरा, साबुत धनिया, साबुत लाल मिर्च, नमक डाल के उबालने रख दिया है। जब गोश्त गल जाएगा, चने की दाल गल जाएगी, तो इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद पीस के शामी कबाब बनाएंगे। दाल गल गई है, अब बोटियों को इस तरह से तोड़ लें कि सब अच्छी तरह से मैश हो जाएं। फिर बाकी हम इसको फूड प्रोसेसर में ब्लेंड करेंगे। इस टाइम पे मैं इसमें डाल दूंगी गरम मसाला पाउडर। अब इस टाइम पे हम इसको अच्छी तरह खुश कर लेंगे, पानी इसमें नहीं रहना चाहिए। इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, खुश कर लिया है इसका पानी। अब इसको हम चूल्हा बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। 1.5 प्याज लिए, चॉप कर लिया है, हरा धनिया है मेरे पास आधी गड्डी, और उसमें मैंने डाली है 3 है सरेनो पेपर, चॉप कर लें, प्याज को चॉप कर लें, 2 अंडे लिए हैं। शामी कबाब का मसाला है ये हमारे पास, जो हमने भून के रखा था। अब इसको मैं पीसूंगी, उसके बाद बनाएंगे हम कबाब। इस तरह से पहले कबाब का मसाला पीस लें, इसके बाद मिक्स करेंगे चीज़ों को। बिल्कुल भी अब सूखा हुआ नहीं है, अगर आप थोड़ा थोड़ा अंडा ऐड कर देंगे तो इससे बहुत ही अच्छा पिस जाते हैं। अभी आपको नज़र आ रहा होगा इतना रूखा रूखा ड्राई, तो इसके लिए बेस्ट है कि आप इसमें थोड़ा थोड़ा अंडा डाल दें, और अगर रूखा ड्राई नहीं है तो फिर अंडा इसमें ऐड नहीं करें। इसके बाद इसमें चीज़ें मिलाऊंगी सारी, होना चाहिए बिल्कुल सॉफ्ट चिकना ताकि कबाब इजीली बन जाए। प्याज आपके टेस्ट पे, आपको कितनी पसंद है उतनी डालें। इसका पानी निचोड़ के फेंक दिया प्याज का, और फिर अभी प्याज डाल रही हूँ। अगर आपको प्याज ज़्यादा लगती है तो आप कम डालें, ये बाकी प्याज मैं नहीं डाल रही हूँ, कितनी डाली है मैंने। अभी जाएगा इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, आधा अंडा मैंने डाल दिया था पीसते में, और अब ये इतना बचा है ये डालूंगी, और इसको अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लूँगी। पीस के इसको देखें इस तरह से बिल्कुल मिक्स कर लेना है, हाथ से मिक्स करें तो बहुत अच्छा मिक्स होएगा। मैं बनाऊंगी कि कैसे बनेंगे ये कबाब। पहले इसे ले लें बॉल की तरह, फिर इसको यूँ यूँ करेंगे, रखते चले जाएंगे। कबाब का साइज़ आपको अपने हिसाब से रखना है कि आपको कितना बड़ा शामी कबाब चाहिए। बाज़ घरों में छोटे कबाब पसंद करते हैं, बाज़ घरों में बड़े शामी कबाब होते हैं। शामी कबाब को मैंने बना लिया है, अब इसको मैं तलूंगी। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम तलने का। एक फ्राई पैन ले लें, उसमें डालेंगे हम तेल, कबाब डालूंगी,
बाकी इन कबाबों को मैं फ्रीज़र में रख दूँगी फ्रीज़ करने के लिए। अब इसको हम पलटेंगे। कबाब बहुत ही अच्छे लगते हैं अगर बने हुए हों एपेटाइज़र में, या आपको एक कोई डिश ऐड करनी हो, दावत है तो आप उसे बना के रख सकते हैं। शाम की चाय पे बहुत अच्छे लगते हैं, या रात में आपको अगर भूख लग रही है और रोटी या चावल नहीं खाना है तो खाली कबाब बना के खा सकते हैं। कबाब हमारे डन है, इसको अब मैं डिश आउट कर लूँगी और चूल्हा बंद कर दूँगी। दोनों साइड से ये बहुत अच्छी तरह से हो गए। हमने बनाए चिकन के शामी कबाब। इसी रेसिपी से आप बना सकते हैं बीफ के कबाब, मटन के कबाब। बनाकर ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।